नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में एक पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो इसका नाम सुना ही होगा, और साथ ही साथ जो कि ताज़ा घटना उस व्यक्ति के साथ घटी है वह यह है कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया है। NSA क्यों लगाया है और NSA क्या होता है, इसको भी जानना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समाज के एक अभिन्न अंग हैं और इस देश के अहम नागरिक हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 यह कहता है कि जिस व्यक्ति से देश और देश के सद्भाव संप्रभुता को खतरा हो उसके ऊपर NSA एक्ट यानी कि रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत व्यक्ति को साल भर तक जेल में रखा जा सकता है और उसे बेल भी नहीं मिल सकती है। तो मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, इस बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से बिहार के लोगों और बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस प्रकार से तमिलनाडु में हिंदी भाषियों और बिहार के लोगों के ऊपर हमले हो रहे थे, हालांकि ये जांच का विषय है। मनीष कश्यप ने इस बात को पहले उठाया या मनीष कश्यप से पहले अमर उजाला और कुछ अन्य प्रिंट मीडिया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस बात को कवर किया था। बातें यहाँ तक भी सामने आई हैं कि एक बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने अपने फेसबुक पेज से भी इस बात को कन्फर्म किया था कि बिहार के लोगों बिहार के मजदूरों के साथ घटनाएं घट रही हैं तमिलनाडु में। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई मनीष कश्यप और कुछ अन्य लोगों पे हुई जो कि मनीष कश्यप के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मामला बखेड़ा कहाँ से खड़ा हुआ इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार का आरोप है कि मनीष कश्यप के द्वारा कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए जो कि फेक थे, जो कि गलत थे, और जिससे कि बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्यों के सद्भाव में टकराव हुआ, दोनों राज्यों के सद्भाव में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वहां पे गलत संदेश गया और यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मनीष कश्यप के द्वारा। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बना करके दोनों राज्यों के सद्भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये उठती है कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया बेतिया के कोर्ट में और उनको फिर पुलिस कस्टडी में पुलिस रिमांड पे ले जाया गया, और उसके बाद उनको बेतिया कोर्ट में पेश किया गया, बिहार के कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद जब तमिलनाडु की पुलिस आई और उनको ट्रांजिट रिमांड मांगती है यानी कि एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर के पूछताछ करने की प्रक्रिया, तो जब उनको मदुरई कोर्ट में पेश किया जाता है तो मदुरई कोर्ट के सिविल कोर्ट में जहां पे मामला लंबित था वहां के जज साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। साथ ही साथ उनके ऊपर लगाए गए सभी प्रकार के आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद इधर मनीष कश्यप को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जिसकी अवधि 19 अप्रैल तक थी। यहां तक मामला चल रहा था तभी अचानक सूत्रों से ये पता चलता है, मीडिया से ये पता चलता है कि मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार ने NSA लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मनीष कश्यप से देश को खतरा बताया गया। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कैसे लगता है, कब लगता है, इसको भी जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, सद्भावना को खतरा हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है
और ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है जहां पर बेल की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति भगोड़ा साबित हो, अगर वो देश छोड़ के भाग गया हो, कहीं छुपा हो, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ NSA लागू होता है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के बाद संबंधित राज्य के हाई कोर्ट को सूचना देना जरूरी होता है। हालांकि मनीष कश्यप के बारे में ऐसी कोई बातें हुई या नहीं हुई, यह एक जांच का विषय है। अब हम बात करते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर क्या NSA लगाना सही है, राजूका किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, जब व्यक्ति देश छोड़कर भागने वाला हो, जब व्यक्ति भगोड़ा हो, जब वह कहीं लापता हो, जब वो उसका इंटेंशन यानी कि मना स्थिति दूसरे देश में भागने की हो। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप तो सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। मनीष कश्यप ने किसी प्रकार से कुछ भी भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पता चला कि उसके खिलाफ केस है तो उसने जाकर के सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगने की। तो क्या NSA लगना सही है या गलत है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि NSA लगना एक अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही खत्म कर देता है। क्योंकि आपसे देश को खतरा है, यह कैसे प्रमाणित होता है? यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि मनीष कश्यप के द्वारा बनाए गए वीडियो की जांच हुई या नहीं हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा मनीष कश्यप को दोषी करार दिया गया कि नहीं दिया गया? NSA की कार्रवाई के लिए पुख्ता जो सबूत थे उसको इकट्ठा किया गया कि नहीं किया गया? मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने से पहले जांच हुई कि नहीं हुई? हालांकि मनीष कश्यप के ऊपर दर्जन भर के केस लंबित हैं और विभिन्न शाखाएं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जांच कर रही हैं और मामले चल रहे हैं। तो NSA को जानना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समाज के अभिन्न अंग हैं और हम लोग समाज में रहते हैं और हम लोग भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इस बात को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।